प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, रिवीजन करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। मैंने जैसा कि बताया 2 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेटलर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, इसीलिए इसको अच्छे से अपन याद कर लेते। चलो पहला पॉइंट हम बात करेंगे स्टेट की। आपको आयोनिक कंपाउंड याद रखने के लिए आपको दिमाग में रखना होगा नमक को, किसको? नमक को, NaCl। सब लोग NaCl को अज्यूम करो, कर लिए? NaCl दिख रहा है सबको, नमक दिख रहा है, खाने वाला नमक, व्हाइट कलर का, यस। तो सबसे पहले बात करेंगे उसकी स्टेट की, मतलब वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, तो बताओ कौन सा स्टेट है? सॉलिड। यहाँ पे लिखा हुआ इसलिए? नो सर। सर हमने देखा है अपनी आंखों से, हमने इन आंखों से देखा है उस नमक को जो व्हाइट कलर का दिखता है कि नहीं? NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो स्टेट कैसा होगा बेटा जी? सॉलिड। उसके छोटे 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 क्रिस्टल्स होते हैं सॉलिड के। तो पहला पॉइंट, दे आर इन सॉलिड स्टेट, दे आर इन सॉलिड स्टेट, दे आर इन सॉलिड स्टेट, पहला पॉइंट याद हो गया। दूसरा पॉइंट बात करेंगे नेचर की, तो वो हार्ड होता है ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब क्या? नमक का जो बराबर ढेला देखा रहेगा आपने, ढेला जानते हो ना, बड़े बड़े फॉर्म में, उसको आप ऐसा अगर प्रेशर अप्लाई करोगे तो फुस, आई मीन चूर चूर रहता है ना, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर दे ब्रेक डाउन इन द पीसेस, व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर दे ब्रेक डाउन इनटू पीसेस, ब्रेक डाउन इनटू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रिटल। तो क्या वो है? यस सर। तो दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, नेचर कैसा है? दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, दो पॉइंट याद हो गया। तीसरी बात हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मध्य प्रदेश नहीं, एमपी इज मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट होने की पॉइंट है ना, और बीपी ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सर मेल्ट होता है क्या? आप जानते होता है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। मेल्ट का मतलब यहाँ पे है पिघलना, बोले तो लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो पूरा पूरा जो सॉलिड है हमारा नमक, वो पूरी तरह से मेल्ट कब होगा? 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। कितने पे? 800 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट 1413 डिग्री सेल्सियस। तो आपको टेम्परेचर याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना बोलना है दे हैव हाई एमपी एंड बीपी, दे हैव हाई एमपी एंड बीपी, दे हैव हाई एमपी एंड बीपी। पहला पॉइंट, दे आर इन सॉलिड स्टेट, दे आर इन सॉलिड स्टेट। दूसरा पॉइंट, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। तीसरा पॉइंट, दे हैव हाई एमपी एंड बीपी, दे हैव हाई एमपी एंड बीपी, याद हो गया। चौथा पॉइंट, सॉलिबिलिटी मतलब घुलनशीलता, क्या वो पानी में घुलता है? यस सर, दे आर सॉलिबल इन वाटर, दे आर सॉलिबल इन वाटर, सबने देखा है पानी में घोल के? यस सर। क्या बात कर रहे सर, हम ऐसा नमक पानी कभी कभी पीते हैं, अच्छा नींबू पानी पीते हैं, ठीक है, तो नमक घोलते हैं कि नहीं घोलते हैं? तो यस सर, सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर, मींस व्हाट? आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिबल इन वाटर, बट इनसॉल्युबल, नहीं घुलते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब ये होता है जहाँ पे कार्बन वाली चीजें आ जाए, जैसे पेट्रोल, पेट्रोल के अंदर होता है कार्बन, केरोसिन, केरोसिन के अंदर होता है कार्बन। तो इन सब के अंदर, पेट्रोल, केरोसिन, क्लोरोफॉर्म, इन सब कंपाउंड के अंदर वो नहीं घुलेगा। घर पे जाके ट्राई करना, गाड़ी में से पेट्रोल थोड़ा सा निकाल लेना, नमक को घोल के देखना कि नमक घुल रहा है कि नहीं, है ना। अब छुपा के मत, चोरी वोरी मत करना, बता देना पेरेंट्स को कि पेट्रोल निकाल रहे हैं, है कि नहीं, समझ में आया। और किसी के साथ ऐसा मत करना, घर का ही निकालना, वरना नीचे पार्किंग में इतनी सारी गाड़ियां लगी रहती है, ठीक है ना, कैमरा लगा रहता है, सब दिख जाएगा, पकड़े जाओगे, इसीलिए ये सब काम मत करना, ठीक है, चोरी चमारी नहीं, ईमानदारी से। तो क्या बोलेंगे? दे आर सॉल्युबल इन बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक पेट्रोल एंड केरोसिन, क्लियर? नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या वो गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर है करंट का? तो दे आर बैड कंडक्टर। अगर वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, उसके प्योर फॉर्म में रहेगा, तो दे आर बैड कंडक्टर। लेकिन जैसे वो पिघल जाएगा, मोल्टन मतलब पिघलना, मैंने लिखा था मोल्टन स्टेट मतलब पिघलना, जैसे वो पिघल जाएगा वो गुड कंडक्टर हो जाएगा, या एक्वस स्टेट मतलब पानी मिला दोगे तो भी गुड कंडक्टर। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा मेरा पानी मिलने के बाद या मेल्ट होने के बाद Na के आयंस फ्री हो जाते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, Na प्लस और Cl माइनस। जैसे ही पानी या हीट करेंगे, देखो ना ये बंधन तो प्यार का बंधन है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि व्हाई द आयोनिक कंपाउंड हैज हाई एमपी एंड बीपी, तो आप बोलना ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। क्या बोलोगे? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है।
ये बंधन कैसा है? ये बंधन तो प्यार का बंधन है। तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो सुनिए क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाई द आयनिक कंपाउंड हैज हाई एमपी एंड बीपी। अब जरूरी नहीं कि मान लो प्रॉपर्टीज आ गई, प्रॉपर्टीज नहीं आई, बोलोगे सर प्रॉपर्टीज नहीं आई, ऐसे पूछ सकते हो घुमा के, व्हाई द आयनिक कंपाउंड हैज हाई एमपी एंड बीपी। तो आप बोलोगे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायन एंड एनायन, एंड दैट्स व्हाई दे नीड और दे रिक्वायर्ड हाई एनर्जी, दे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। ये बंधन, ये बॉन्ड बहुत मजबूत है, इसको अगर ब्रेक करना पड़ेगा तो सब कुछ हथियार हथियार निकालना पड़ेगा भाई, बंदूक बंदूक गोली चलेगी है कि नहीं, गोली चलेगी तबाही होगी, फिर समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सी बात है, हीरो और हीरोइन है भैया, उनको अलग करना पड़े तो खत्म। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो चलो क्लियर हुआ सबको? यस सर, वेरी गुड। तो गुड कंडक्टर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो उनके पास फ्री आयंस हो चुके हैं, एनए ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। अब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा। जैसे मैंने अभी बताया, बेटा जी एक ये मैंने कंटेनर लिया है, इसमें नमक और पानी मिला दिया है, एक्वस एनएसीएल, यहाँ पे मैंने बैटरी लगा, दो रॉड है यहाँ पे, ठीक है, कोई रॉड है गुड कंडक्टर का, ठीक है, मेटल का। अब यहाँ पे वायर लगा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, आप जानते हो पॉजिटिव से निगेटिव तक करंट बहता है, मतलब यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे कोई भी कनेक्शन है क्या? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये बल्ब ग्लो कर रहा है, मतलब करंट यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे भी गया। तो यहाँ पे कैसे गया? इस नमक के जरिए, नमक सॉल्यूशन के जरिए, मतलब नमक सॉल्यूशन इज गुड कंडक्टर, तभी तो करंट उससे गया। तो ये प्रूफ है इस बात का, क्लियर है? यस सर। अब क्या करो, सिर्फ चार पॉइंट भी याद रखोगे तो भी चलेगा, ये पॉइंट को कर दो कट, सिर्फ चार पॉइंट याद रखेंगे। पहला पॉइंट, दे आर इन सॉलिड स्टेट, दे आर इन सॉलिड स्टेट। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में हमको सिर्फ चार पॉइंट याद रखने हैं और दो मार्क मिल जाएगा। पहला पॉइंट, दे आर इन सॉलिड स्टेट, दे आर इन सॉलिड स्टेट। दूसरा पॉइंट, दे हैव हाई एमपी एंड बीपी, दे हैव हाई एमपी एंड बीपी, दे हैव हाई एमपी एंड बीपी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायन एंड एनायन। Due to strong force of attraction between cation and anion. तो पहला point, they are in solid state. दूसरा point, they have high एमपी एंड बीपी, they have high एमपी एंड बीपी. तीसरा point, they are soluble in water. They are soluble in water. They are soluble in water. But insoluble in organic solvents. But insoluble in organic solvents. Like petrol, kerosene, etc. Last point, they are good conductor. They are bad conductor. They are bad conductor of electricity. But good conductor in molten state or aqueous state. They are bad conductor of electricity, but good conductor in molten state or aqueous state. याद हो गया? Yes, चार पॉइंट याद हो गए? Yes, sir. पक्के से? Yes, sir. दो मार्क याद हो गया? Yes, लास्ट बार फिर से दो मार्क के लिए चार पॉइंट पढ़ेंगे फास्ट फास्ट। दे आर इन सॉलिड, दे आर इन सॉलिड, दे आर इन सॉलिड, पक्के से? Yes, sir. दूसरा, दे हैव हाई एमपी एंड बीपी, दे हैव हाई एमपी एंड बीपी, दे हैव हाई एमपी एंड बीपी। तीसरा पॉइंट, they are soluble in water, they are soluble in water, but insoluble in organic solvents like petrol and kerosene. And last point, they are bad conductor of electricity, but good conductor in molten state and aqueous state. Clear? Yes sir. Khatam.